सभी को नमस्कार। मेरा नाम लावण्या है और मैं करीमनगर जिले के गोपालपुर गांव की निवासी हूं। मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और मैं आधी एकड़ में SRI विधि से धान का उत्पादन कर रही हूं। बाकी आधा एकड़ में मैं सब्जियां लगा रही हूं। हम हमारे खेतों में रासायनिक खाद एवं अन्य कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम NPM विधि से धान और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे गांव में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत से किसान NPM विधि से खेती कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम लागत में अधिक उपज ली जा सकती है। हम फसलों में होने वाली बीमारियों के लिए विभिन्न प्रकार के घोल बनाते हैं एवं उनका छिड़काव करते हैं। NPM तकनीक में सभी प्रकार की बीमारियों के लिए घोल उपलब्ध है। उदाहरण के लिए नीमास्त्रम है, जो कि फलों को चूसा कीट से बचाता है। इसी तरह हमारे पास शोंतिपाला कश्यम, ब्रह्मास्त्रम, अग्नास्त्रम है। यदि हम इस तकनीक का सही समय पर उपयोग करते हैं तो हम इससे अच्छा उत्पादन और अच्छे परिणाम पा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि खट्टा मट्ठा का घोल कैसे बनाया जाता है और उसका क्या उपयोग है। खट्टा मट्ठा घोल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 3 दिन पुराना खट्टा मट्ठा 6 लीटर, पानी 100 लीटर। खट्टा मट्ठा का घोल बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 सामग्रियों की आवश्यकता है। अभी अभी आपने देखा है, हम कम पैसे से इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं। पहले हमें 6 लीटर खट्टा मट्ठा को 100 लीटर पानी में डालकर छड़ी की सहायता से अच्छी तरह मिलाना चाहिए। अब हमने लगभग 100 लीटर का घोल बना लिया है। अब हम 1 एकड़ खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि हमारे पास मट्ठा उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह पर हम 2 लीटर नारियल पानी का उपयोग भी कर सकते हैं और उसे 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। खट्टा मट्ठा का घोल बनाना बहुत ही सरल है। यह घोल सब्जियों की खेती पर बहुत अच्छा असर करता है। यह सब्जियों में लगने वाली सभी बीमारियों के लिए उपयोगी है। सिर्फ यही नहीं, यह घोल पत्तियों एवं फलों में दाग लगने की बीमारी से भी उनकी रक्षा करता है और फफूंदी नाशक का कार्य करता है। मट्ठे के घोल का छिड़काव उसी दिन कर देना चाहिए जिस दिन इसे तैयार किया गया हो। इसे इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। यह सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी है। मट्ठे का घोल का उपयोग रोग प्रतिरोधक के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए बुआई के 20वें एवं 45वें दिन इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे यह होने वाली बीमारियों से फसल की सुरक्षा करेगा। मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहती हूँ तथा यह इच्छा करती हूँ कि वे मेरी तरह NPM तकनीक को अपनाकर कम लागत में अच्छी उपज प्राप्त करें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस वीडियो में काम करने एवं मट्ठा का घोल कैसे बनाते हैं यह दिखाने का मौका मिला। मैं IKP सर्प संस्था को इसके लिए धन्यवाद करती हूँ।